अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फसीह अहमद है। इस वक्त मेरे हाथ में जंग अखबार है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत खबर आई है और मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहता हूँ। खबर कुछ यूँ है, न्यूयॉर्क के नवाही इलाके लॉन्ग आइलैंड में वाक़ एक स्टोर के पाकिस्तानी मालिक मोहम्मद सुहेल अब अपने अच्छे किरदार के हवाले से एक बार फिर कौमी ज़राए अबलाग में मौजू ख़ास बन गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रवां साल जून में एक अमेरिकी सिया फाम नकाब पहन कर मोहम्मद सहेल के स्टोर में डकैती की नीयत से दाखिल हुआ, जहां सिक्योरिटी कैमरा नस्ब था। इस अमेरिकी नकाब पोश ने कैश रजिस्टर पर मौजूद सहेल से रकम तलब की, मगर मोहम्मद सहेल ने इंतहाई फुर्ती से स्टोर के लिए लाइसेंस याफ्ता अपनी गन निकालकर नकाब पोश को बेबस कर दिया। अमरीकी ने हाथ उठाते हुए सहेल से कहा कि वो बेरोज़गार है और उसके पास अपने ख़ानदान के खाने के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर मोहम्मद सहेल ने उसे नकद $40 और डबल रोटी और कुछ खाने पीने का सामान दिया और साथ उसे बताया कि मुसलमान है और अमरीकी नकाब पोश को भी कबूल इस्लाम की दावत दी, जो उसने फौरन कबूल करके मोहम्मद सहेल की इस्लामी तालीमात पर कलमा दोहराया। मोहम्मद सहेल ने पुलिस के आने से कबल ही उसको जाने दिया। चूँकि तमाम वाक़या स्टोर की सिक्योरिटी कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था, लिहाजा अमरीकी ज़राए अबलाग ने यह वीडियो देख कर गुज़िश्ता जून में खबरें और तबसरे नशर करने शुरू कर दी और नशर करते हुए कहा, पाकिस्तान के किरदार और रहमदली की तारीफ की। दिसंबर के आगाज़ पर मोहम्मद सहेल के स्टोर पर डाक से लिफाफा आया, जिसमें $50 के नोट के साथ एक टाइप शुदा ख़त भी था, जिसमें मोहम्मद सहेल का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, आज मैं बरसरे रोज़गार हूँ और अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम हूँ। आपके हुस्न सलूक के बाइस मैं अब वाकई मुसलमान हो चुका हूँ और अब मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल चुकी है। मैं आपका एहसान मंद हूँ और ये $50 आपको वापस भेज रहा हूँ। ख़त का इख्तिताम किसी नाम के बगैर आपका मुसलमान भाई लिखकर किया गया। इत्तला मिलने पर अमरीकी ज़राए अबलाग ने सहेल के इंटरव्यू और वाक़े की तफसील को बड़े मुस्बत अंदाज में नशर किया। नुमाइंदे जंग से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद सहेल ने कहा कि उनके वालदेन की तरबियत और नसीहत यही है कि बुराई करने वालों के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आने की कोशिश करना चाहिए। दौर से 20 साल कबल अमेरिका आने वाले पाकिस्तानी मोहम्मद सहेल का कहना है कि मुझे अपने पाकिस्तानी और मुसलमान होने पर फ़ख्र है और मैं अपने अमेरिकी कस्टमर्स को अब अक्सर कहता हूँ कि तमाम पाकिस्तानी और मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते। शुक्रिया।